कास्ट सेंसस, बिहार के बाद अब झारखंड में होगा जाति आधारित सर्वेक्षण। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जाति आधारित सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। सीएम चंपई सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। झारखंड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी मिलने की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को एक मसौदा तैयार करने और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कवायद शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में इसी साल यानी 2024 में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनावों के साथ राज्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए तो जाति आधारित सर्वेक्षण हो जाएगा, जिसे विधानसभा चुनावों में जाति के आधार पर उम्मीदवारों के चयन और क्षेत्र के निर्धारण में आसानी हो। आपको बता दें कि जाति आधारित सर्वेक्षण का संकेत देते हुए सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, झारखंड तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि झारखंड में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के लिए कार्मिक विभाग मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर किया जाएगा, जहाँ पिछले साल 7 जनवरी से 2 अक्टूबर के बीच आंकड़ों का संग्रह किया गया। बता दें कि प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के अनुसार ग्रामीण और समाज कल्याण सहित कई विभागों पर विचार किया गया, लेकिन सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को अंतिम रूप से चुना गया। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद सरकार के विधायक राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण की मांग कर रहे थे। उन्होंने कई बार राज्य विधानसभा में भी इसकी मांग उठाई। इस महीने के बाद पहले सप्ताह में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के झारखंड चरण के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी जाति आधारित गणना की वकालत की थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने पर राष्ट्रव्यापी जाति आधारित गणना और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का वादा किया था। इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें MG मीडिया न्यूज़ के साथ।